यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सअप टू दिस अकाउंट। अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊँ कि आप यह प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, अगर कोई सा थर्ड पार्टी व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, तो अभी के अभी उस व्हाट्सअप को डिलीट कर दो, क्योंकि वह व्हाट्सअप अभी अनसिक्योर है, इसलिए आपको यह प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप जी बी व्हाट्सअप अगर यूज़ करते हो तो उसे अभी के अभी डिलीट कर दो। जैसे मैंने कर रहा हूँ वैसा ही आपको भी डिलीट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी आईडी भी जा सकती है व्हाट्सअप की, या तो आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी या तो फिर आईडी जाएगी। इसलिए किसी अन्य व्हाट्सअप को डिलीट करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और आपकी आईडी पर क्लिक करके आपको प्ले प्रोटेक्ट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर आपको एक स्कैन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। आपकी जो भी समस्या रहेगी जिस भी ऐप में वह स्कैन हो जाएगी, अगर आईडी हैक होगी तो वह भी स्कैन हो जाएगी। अब इतना करने के बाद आपको एक ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है प्ले स्टोर से। अब आपको बैक आ जाना है, बाहर निकल जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च पर जाना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर अगर कोई सा व्हाट्सअप पे अपडेट आया हुआ है तो व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है, प्ले स्टोर से ही अपडेट करना दोस्तों। अब इतना करने के बाद आपको बाहर निकलना है और आपको क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, व्हाट्सअप सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप सपोर्ट सर्च करना है, और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी दोस्तों, इसके अंदर आपको चले जाना है। यह व्हाट्सअप की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट और व्हाट्सअप दिखेगा, तो उसके नीचे व्हाट्सअप इंडिया और व्हाट्सअप मैसेज सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप पर यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म को फिलअप करना है, जो भी यहाँ पर फिल करने का है वह पूरा फॉर्म को आपको भरना है, और नीचे आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पूरा फॉर्म जल्दी जल्दी से भर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फॉर्म भर दिया है, मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा। आपको भी फॉर्म भर के नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगी और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, नया पेज आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सेंड क्वेश्चन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन व्हाट्सअप के पास चले जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको इंतज़ार करना है कि कब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें।